ना अंग्रेजी गिट पिट से ना चाइना के मोबाइल से अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन ए बिहार अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन ए बिहार अरे अम्मा उठिए ने बाद में सो जाएगा उन नौसदवा को बाहर निकाले ने कौन उन नौसदवा को अम्मा नौसदवा को वहां पड़े हैं एक कप गर्मा गर्म चाय ले आओ हमारे लिए हम जरा मुंह पे पानी मार के आते जाइए ये शर्म वो तो हम है अम्मा ये नाश्ता कर लिया है ने अभी को बोले निकले यहाँ से अरे कितना बार बोले है उनका इतना समझ से नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगी इको हमारे सर पे बिठा के जाएंगी अभी आपको काम पे भी जाना है ने ये बात तो है काम पे तो जाना है ये नीस्ती को हमारे सर पे ना छोड़ के जाएगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों एकला हो घर में हम उसको छोड़ के जाएंगे फिर जाइए ने इको निकाल बाहर कीजिए हमारे सर पे आके बैठे रहते हैं हर वक्त बगैरत ठूस ठूस के खाएंगे जिंदगी बर्बाद करती है हमारी और खाए जा रहे अरे आओ खाओ अम्मा खाओ सन्नो ऐसा लच्छेदार पराठा बनाती है कि सीधा एकदम जाके दांतों में चिपक जाता खेच खेच के निकालना पड़ता अब नाश्ता कर लिए ने अब जाइए यहाँ से अरे क्या बात होगी खाला अम्मा चले जाएंगे अभी अभी तो आए हैं अरे बस हो गई तुम रही अभी अभी निकलिए यहाँ से हमका काम से देर हो रहा है कहा काला अम्मा तुमको क्या ऐसा लगता है कि तुम काम पे जाओगी तो हम तुम्हारे घर में लूटमार मचा देंगे हा? अरे आप कुछ भी समझिए मगर निकलिए यहाँ से हमका देर हो रहा है काम में हम बोले ना अच्छा अच्छा नाराज काय हो रहे जा रहे भाई बड़ा ही जबरदस्त पराठा था लच्छे वाला फिर आएंगे बाय बाय फिर आएंगे हमारा तो जिंदगी अजाब करती है क्या बात है बाबू एकदम हीरो बन के घूम रहे हो ने एक बात बताओ तुमने फिर से इस गली का चक्कर लगाना शुरू कर दिया हाँ अरे बाबू भाई ये हमारे सवाल का जवाब ना ही है ने हाँ तो हमारे सवाल का जवाब कब दिए हो तुम तो सुन लो तुमने सवाल का जवाब ये गली और ये सड़क तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम्हारा परमिशन से यहाँ पर घूमेंगे ने हाँ हम सुने अच्छे तरीके से किसी ना रोशन खाला के घर में जाके तुम दादागिरी किए हो वो हमारी खाला अम्मा है उनके घर पे जाकर हम दादागिरी करें या नानागिरी करें तुम कौन होते हो पूछने वाले ने हाँ रोशन खाला हमको पूरा पूरा राइट दिए हैं उस घर में दो दो जवान लड़की बैठा है तुम ऐसे नहीं घुस सकते उसमें उमे से एक जवान लड़की हमारा बीवी है ये तुम भूल गए हो शायद हम नहीं बोले हैं शायद तुम भूल गए हो अगर तुम्हारा बीवी है तो जाके अपना घर पे काहे नहीं रखते अब ऐसे अभी घर पे काहे रखोगे तुम्हारे पास तो घर है नहीं तुम तो खुद जेल में रहते हो अब तुम ज्यादा ही फैल रहे हो बाबू हमारा मीटर मत घुमा हम बोले देते हैं सच बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना सच्चे मियां ज्यादा सच मत बोलो अगर हम सच बोलने पर आ गए ना तो पूरा मोहल्ला सुनेगा ने और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो आता जाओ ये लो कहां से आ जाते लगता है तीर एकदम निशाने पे जाके बैठा है हैं? ये का कर रही हो मुन्नी हमरा फोटो उतार रही हो का हाँ तो का हुआ तुमका तो फोटो उतरवाने का बहुत शौक है नहीं शौक का ये मतलब नहीं है कि तुम हमरा काम करते में फोटो उतारो बाप रे बाप तो हम कौन हो तुम्हारा फोटो अखबार में छपवाए रहे
या फिर टीवी में लगवा रहे हैं जो इतना घबरा रही हैं आप? अच्छा ये बताइए, आपके वो हीरो कब गए थे? ओ, अम्मा धक्का मार के घर से निकाली ने, तब गए हैं। नाश्ता तो ठोस के गए होंगे। वो बगैरत हैं, हमरे पीछे पड़ गए थे, पराठा बना दीजिए, तो हम कहाँ करते फिर? ओ, तो सुबह ही सुबह अपने सोहरे नामदार के लिए पराठा तली हैं आप? तभी हम हैरान हो रहे थे, आज सुबह ही सुबह ये पराठा कैसे मिल गया नाश्ते में? अपने सोहरे नामदार के लिए बनाई थी तो उसके तो फैल हमको भी दे दी। मुन्नी हमरे साथ ही फालतू बकवास करने का ना कोनू जरूरत नहीं है, अम्मा बोली थी इसलिए बनाए थे। वैसे हम आपको बता रहे हैं, होशियार हो जाइए, ओ नुसदवा का इरादा हमको ठीक नहीं लग रहा। का मतलब है मुन्नी? मतलब ये रहा कि वो बार बार इस घर में आ रहे हैं, उनका इरादा है कि वो इस घर में दोबारा ठिकाना बना ले। हाँ हम क्या कर सकते हैं, ये तो अम्मा को सोचना चाहिए ने। वो किसा सख्ती से बोले कि यहाँ आने की कौन जरूरत नहीं है। ये लो, सख्ती तो ना अम्मा करेंगी ना ही आप करेंगे, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं हम उनको इस घर में ना ही रहने देंगे। तुम तो सख्ती करोगी ना ही, क्योंकि अगर करती तो अभी तक तलाक ना ले चुकी होती, तुम्हारे दिल से वो हीरो ना ही निकला अभी तक। हम बता रहे हैं ज्यादा मोहब्बत है नुसदवा से, तो चली जाओ इस घर से। होंगे बाबू। ये हमरा बेबी को क्या हो गया? सुबह तलक तो बिल्कुल ठीक था, अरे कहीं कोई जिन्न तो नहीं चढ़ गया? खुले आसमान के नीचे जो बैठ जाते हैं जवान जहां लड़की है, कहीं किसी चीज का गुजर हो गया होगा। या अल्लाह हम क्या करें, आयत पढ़ते हैं। अम्मा छोड़ो ना, काय पकड़ रही हो हमको, मैं फूके काय मार रही हूं, का हो गया का दूर हो रहा पड़ गए? लगता है अम्मा पर कोई जिन सवार हो गया है, भागो यहां से। या अल्लाह रे, बेबी को बहुत पावरफुल जिन आ गया, हम जैसों को धक्का दे दिया है, उल्टा हो गए थे हम। अल्लाह हम क्या किधर जाए, हमरे बच्चे को कहा हो गया ने? अरे वो भी कोई मुलाकात था मुन्नी, फौरन तो अम्मा आ गई थी, हम कुछ नहीं जाते, तुमको आना पड़ेगा। हाँ मगर हम कैसे आएंगे बाबू, पहले तो संजीदा की अम्मी का बहाना बना दिया करते थे, लेकिन अब हम क्या बोलेंगे? देखिए हम कछु नहीं जानते हैं, हमको नहीं मालूम है, आप कोई भी बहाना कीजिए हमको आ जाइए मिलने के लिए, हम बहुत बेकरार हैं आपको देखने को। मगर कल तो आप देखे थे हमको। देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, कल आप आ रही हैं हमसे मिलने के लिए, और अगर आप नहीं आती हैं तो आपको बहुत ही बुरा खबर सुनने को मिलेगा। हाँ अब हम क्या करें, क्या बहाना बनाएंगे अम्मा से? बाबू का डैडी, हमको बेबी का बहुत फिक्र हो रहा है। फिक्र तो करो, क्या फिक्र हो गया? अरे ना हम ऊके पर जन आ गया है। बिहार, love in Gulshan Bihar, love in Gulshan Bihar। मैंने जो देखा वो क्या था, भाई शन्नो की तरफ ऐसे क्यों देख रहा था? दाल में कुछ काला लगता है, मगर शन्नो तो शादीशुदा है और भाई को भी ये बात मालूम है। Thank you.
गुंडे मवाली बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? और तुम घर में घुसे कहाँ से? ऐसा मत समझना कि मैं लड़की हूँ, मैं डर जाऊंगी तुम्हारा, मैं दिमाग ठिकाने का। मैडम गलती से मिस्टेक हो गई है, हम लोफर गुंडे बदमाश नहीं है भाई, कहाँ हो गया? काहे का शोर मचाया है? आंटी देखिए मवाली पता नहीं कहाँ से घुसा है और इसने मुझे पकड़ने की कोशिश की है। नुज़हत कब खत्म होगी आपकी बदमाशियाँ? किस किस लड़की को चारा डालेंगे? और हमारे घर में के आपका जुरत कैसे हुआ कि आप एक गैर लड़की का हाथ पकड़ लिए? अरे नहीं नहीं मुन्नी, ये बात नहीं है, अमी को थोड़ी पकड़े थे, हम तो सन्नो को पकड़े थे भाई। अरे सन्नो तो अंदर बैठी थी ने। एक मिनट, आप मुझे ये बताएं ये आदमी है कौन और आप सब जानती हैं इसे? अरे हमरा तो नसीब फूटा था जो ई को अपना दामाद बनाए। दामाद? हाँ ई है सन्नो का शौहर। ये लोफर शन्नो का शौहर है? हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोफर वोफर नहीं है, गलती से आपको हाथ लगा ली का मतलब ये नहीं कि आप हमको लोफर बोले बदमाश बोले, गलती से आपको हाथ लगा लिए थे सन्नो समझ के। साजिया बेटा हम तुमसे इकलिए माफी मांगते हैं, तुम अपना कमरा में जाओ, हम इसका दिमाग दुरुस्त करते हैं। दिमाग तो मैंने इसका ठिकाने लगा ही दिया आंटी, अगर इसको मेरा थप्पड़ याद रहेगा ना तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। अरे हम सॉरी बोलता हूँ फिर से। चुप कर, ये तूने का समाधा लगाया है हाँ? ये रोज रोज मुंह उठा के इतना रात के टाइम पे चले आते हो, का हमका बदनाम करने का ठाने है तुम? अरे खाला अम्मा आप ही ने तो कहा था कि जब जी चाहे आ जाया करना है। हम रोज रोज आने का नहीं बोले थे। अच्छा हमार सुनने में गलती हो गए ने, अब आ ही गए तो रात को यही रहेंगे। वो का है खाला अम्मा भूख बहुत जोर का लग रहा है, जरा सन्नो को बुलाई दे, उनसे कहें कि सौहर की खिदमत करे आके जरा है। हुना ही आएगी और खाना खत्म हो गया है। हाँ तो टेंशन की कोई बात नहीं है ना, हम खुद ही बावर्ची खाने में जाके खाना वाना बना लेते हैं, आप खाएंगी? अरे तुम तो बहुत ही बेगैरत हो रे। चाय बनाएंगे आपके लिए, बाहर में जाओ। ए मुन्नी चाय पियेंगी क्या? अरे ये है कौन, किसी ने तारुफ तो कराया नहीं? नहीं हेलो कहाँ सोच रहे भाई? अब हम कहाँ बोले? अरे कहाँ परेशानी हो गई है तुमको, 63-62 में तुम्हारा नाम आ गया क्या, लागू हो गया तुम पर, परेशानी कहाँ है? बाबू का डैडी हमको बेबी का बहुत फिक्र हो रहा है। जिक्र तो करो क्या फिक्र हो गया? अरे ना हुके पर जिन आ गया है। हॉल वाला को तुम लोग सब पगला गए हो, जिन बिन आ गया, जिन बिन आ गया, ये जिन भूत सब भाग गए हैं, यहाँ पर करप्शन के जिन छाए हुए पूरे मुल्क में, समझ में आया तुमको बात कर रही है तुम? बाबू का डैडी जिनको अपनी दो आंखों से हम खुद देखे हैं। आईना देखा होगा तुमने आईना? मेरा ख्याल ये है कि तुम्हारा दिमाग में ना नींद सवार हो गया है, तुम आराम से सो जाओ, हम जाके जरा टीवी देखते हैं, बेवॉच देखेंगे, बेवॉच देखेंगे। हाँ क्या बोल रहे हैं, हमको पता ही नहीं, बेहया बेहया कुछ कह रहे, क्या करें, लड़की लोगों का जब रिश्ता आता है रिश्ते वाले सब बातें पूछते हैं, लड़की जिनसे क्लियर है ना, कोई जात बात में कोई मसला तो नहीं, क्या बोलेंगे झूठ? ये क्या बात हुई भला, रोज आके या डेरा डाल लेते हैं, और अम्मा आप भी उके आगे खाना भी रख देती हैं और बिस्तर भी दे देती हैं। अरे क्या करें, वो जबरदस्ती घुसाता है, कैसे निकाले उका? हमका तो ई बात समझ में नहीं आवे, दरवाजा कौन खोलता है? कौन खोलेंगे नहीं, वो खुद हाथ डाल के खोल के दरवाजा आ जाते हैं। चैन सुकून सब बर्बाद करके रख दिया है, बेगैरत कहीं के हर लड़की को देख के फिसल जाते हैं। अच्छा किया साजिया जो मुंह पे थप्पड़ दे मारे, हम होते ना तो जूता मारते। अरे अब तुम काहे को रोने लग गई हो, सन्नो आ गई हमारे सर में, बहुत दर्द हो रहा है। इनके सोहरे नामदार को बुरा भला जो बोल दिया हमने अम्मा, इसलिए मिर्चे लग गई हैं इनको। अपना फालतू बकवास बंद कीजिए आप, हम मुंह के लिए ना ही रो रहे हैं, हम तो अपने मुकद्दर को रो रहे हैं, अम्मा को ही लोफर मिला था हमारी शादी कराने के लिए। तो हम कौन सा जबरदस्ती किए थे तुमसे, तुम खुद अपना खुशी से शादी के लिए तैयार हुई थी। ये भी हमारा कसूर है, सब हमने ही किया है, जहर देके मार दीजिए हमको, ये ही सही है। यार हम किस मुश्किल में फंस गए हैं। अम्मा आप फिक्र ना कीजिए, हमारी एक दोस्त है स्कूल की, उनके जो अब्बा हैं वो पुलिस में हैं,
एक बार अगर उके अब्बा आके नुसदबा को तड़ी लगा देने तो सुधर जाएंगे। हाँ, तू उसे बात कर। कल दिन में जाएंगे। उसे ये ख्याल भी ना आया कि मैं उसके बाबू के डैडी अभी तक जग रहे हैं। अरे भाई, जिस घर में भूत पड़ी तो वहाँ नींद कहाँ आती है, जागना ही पड़ता ना। भूत? हाँ। कहाँ है भूत? ये हमारे बगल में देखो ना। हमको नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, काहे नजर नहीं आ रहा, अंधी हो गए का? हमको तो साफ नजर आ रहा है। भूत, भूत, अरे भूत आ गया, भूत, भूत, भूत। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार कर, तुम ही तो मेरी दुनिया। अरे सुन रही हो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तुम्हारे लिए गा रहे हैं। भाई जब तुम ऐसे नाराज होती हो ना, कसम से बहुत ही खूबसूरत लगती हो। जब ऐसे देखती हो हमको, हमारा दिल सीने से निकल के हलक में आ जाता है कसम से। ये फालतू बकवास हमसे करने की कोनो जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। अरे ये फालतू बकवास नहीं, हमार दिल का आवाज। इतना काहे तड़पा रही हो हमको? हम बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। ये झूठ का अब हम पर कोई असर नहीं होगा। जितना हमको बेवकूफ बनाना था ने, आप बना चुके हैं। अरे ऐसा मत बोलो जान, तुम तो हमारे दिल की रानी हो, रानी। हाँ, तभी तभी दिन रात ये जूता लात हमारे साथ करते हैं। अरे तो का करे भाई, अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता ना। हम बहुत खराब है भाई, बहुत ही खराब है। अपने जान पर हाथ उठाते, हमको माफ कर दो। हम कान पकड़ता हूँ, बोलो तो हम तुम्हारे पाँव पड़ जाता हूँ, बोलो ना। सर ये सब ड्रामा ना आप किसी और के साथ जाके कीजिए, हम के ऊपर नहीं चलेगा कुछ। अरे हम ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, हमारे दिल का आवाज, हम तुमसे बहुत मोहब्बत कर। हटिए, तुम हमारा बोर्ची खाने में का कर रहे हो? वो का बात है ना खाला अम्मा, के हम अपना बीवी से दो बात कर रहे थे, बहुत नाराज है ना, उनका मना रहे थे ना? बात कर लिए, अब चलो निकलो, हमका भी बाजार जाना है। हाँ तो ठीक है, हम चलते हैं। ई पकड़ो हमारा चाय का कप, रात को आ जाएंगे हम। ओ नो साधवा, रात में आने का कोई जरूरत नहीं। तो हमरा जान नहीं छोड़ेंगे। सैदवा, वो तुम्हारे लिए मकान देख लिया हमने, देखना चाहते हो? आज तो कच्ची बस्ती पे आ जाना, उधर आगे गली में आओगे ना तो उधर कच्ची शराब बनता है, उसके बराबर में घर है। अरे इसलिए तो कह रहे सस्ता मिल जाएगा तुमको। अब्बा, अब्बा, आपको पता है अम्मा पर जिन चढ़ गया है। अरे तुम दोनों माँ बेटे को होका गया भाई, वो कहते तुम पे जिन चढ़ गया, तुम कहते उस पर जिन चढ़ गई, कहाँ हो रहा है इस घर में? अब्बा हमरे यकीन करें, अम्मा पर जिन चढ़ गया है। कल रात अम्मा को बहुत बड़ा दौरा आया था, एकदम से हमरा गर्दन दबोच लिया था, हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है, हर एक को जिन चढ़ रहा है, पागल हो गए सारे। हमको भी जिन चढ़ा है नाश्ते का, क्या नाश्ता बना के लाओ? आजकल तुम्हारा अम्मी का तो नींद ही पूरा नहीं होता, क्या नाश्ता बना हम खा रहे हैं? अब्बा पर भी नींद चढ़ गया है। जिन चढ़ गया पे, मुंह पे बोल रही है, हमको भी जिन चढ़ा, बात कर रहे। अरे लव इन गुलशन बिहार, लव इन गुलशन बिहार, अरे लव इन गुलशन बिहार, बिहार। अम्मा ये कौन है? ये तो कोई बाबा लग रहा है, जादूगर वाला। अरे बहुत ऊंचे हुए बाबा है, तुम्हारा जिन निकाल देंगे। हमको कब चढ़ी है जिन? जिन तो आपको चढ़े थे ना। नहीं लैला, नया मजनू। हाँ, ना अंग्रेजी गिट पिट से, न चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव
करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशन बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशन बिहार।